गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महासिंह, व्याख्याता जीव विज्ञान, ATS स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि इस बार कक्षा 11 जीव विज्ञान का सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए नए सिलेबस के आधार पर आज हम जीव विज्ञान का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सजीव क्या होते हैं। आप ये जानते हैं कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव हैं, वे एक दूसरे से काफी अलग हैं, भिन्न हैं। उनकी आकारिकी के आधार पर, उनकी आवास के आधार पर, कोई जीव आकार में बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। आवास के आधार पर देखें तो कोई जल में रहता है, कोई थल पे रहता है, कोई उड़ सकता है, कोई नहीं उड़ सकता है, कोई तैर सकता है, कोई नहीं तैर सकता है। इनके आवास अपन देखें तो आप जाएंगे कि कुछ जीव नदी में रहते हैं, कुछ झील में रहते हैं, कुछ मरुस्थल में रहते हैं, कुछ वनों में रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं। और इससे भी आप देखें तो बहुत सारे जीव हैं बहुत ही कठिन आवासों में निवास करते हैं, जैसे गर्म पानी के झरने, खारे पानी की झील और ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ, जहां तापमान बेहद कम होता है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी जीवों के अंदर कुछ मूलभूत गुण होते हैं जो लगभग सभी जीवों में समान पाए जाते हैं। हम इतना जानते हैं कि इन सब जीवों में इतनी ज़्यादा भिन्नता होते हुए भी काफ़ी एक दूसरे से सामंजस्य होता है, एक दूसरे के साथ में परस्पर इनका संबंध होता है। यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी जीव जो होता है उनमें कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि लगभग सभी जीवों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें हम देखें तो ये गुण हैं सजीवों के मौलिक गुण कहला सकते हैं। इनमें पहला है वृद्धि एवं विकास। जो भी जीव हैं वे जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे उनके शरीर में, उनके आयतन में, उनके भार में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाती है। और ये जो होने वाली बढ़ोतरी है यही वृद्धि कहलाती है, जो कि केवल एक दिशीय होती है। सभी जीवों को जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना है, पोषण कहलाता है। तो लगभग ये जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं उन सभी को जीवन के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के आधार पर जीव हैं स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात ये है स्वपोषण, विषम पोषण प्रकार का हो सकता है। उपापचय, जितने भी सजीव हैं उनको भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति उपापचय की क्रिया के द्वारा होती है। उपापचय के अंतर्गत दो क्रिया होती हैं। पहली क्रिया जो होती है अपचय,
और दूसरी होती है उपचय। अपचय जो है ये विघटनात्मक क्रिया है और उपचय जो है ये निर्माणात्मक क्रिया है। इसमें अपन देखना चाहें तो रेस्पिरेशन श्वसन ये विघटनात्मक क्रिया है और निर्माणात्मक क्रिया को अपन देखना चाहें तो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि निर्माणात्मक अर्थात उपचय प्रकार की होती है और श्वसन के अंदर खाद्य पदार्थों के कणों का विखंडन होता है ऑक्सीकरण की क्रिया के तहत जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात उपापचय अपचय और उपचय दोनों प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बनती है जिससे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवों का नेक्स्ट मौलिक गुण है उत्सर्जन। आप जानते हैं कि जब जीव भोजन करता है तो ऊर्जा प्राप्ति के पश्चात जीव के शरीर में कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन सभी को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, वह क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। अर्थात जीव के शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के अंतर्गत बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जीव अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है, वह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है और यह उत्सर्जन का गुण सभी जीवों के अंदर पाया जाता है। जीवन चक्र, जितने भी जीव हैं वे सभी जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु होने तक की प्रक्रिया है ये एक चक्र के रूप में लगातार चलती रहती है जिसे जीवन चक्र कहा जाता है। इसी के तहत वे अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट गुण है प्रजनन। जितने भी जीव हैं वे सभी अपने समान नई संततियों को जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नई संततियां उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। इसी के बदौलत इस पृथ्वी के ऊपर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अर्थात अपने समान जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है और ये केवल जीव ही कर सकते हैं। जीवों का नेक्स्ट गुण है श्वसन। कुछ जीवों में श्वसन की क्रिया है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, कुछ में बिना ऑक्सीजन के ही होती है, जिसके कारण जीव ग्रहण की गई ऑक्सीजन का उपयोग अपने शरीर की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का अर्थात कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अर्थात कोशिकाओं में संपन्न वह क्रिया जिससे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह श्वसन कहलाती है। यह भी सजीवों में ही पाया जाता है। गति, जितने भी जीव हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अर्थात स्वयं की इच्छा से अपने स्थान में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। जीवों का एक अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गति कहलाता है। जंतुओं में यह गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन पादपों में गति है यह उसके विभिन्न अंगों में होती है और बहुत ही धीमी गति से होती है। अर्थात पादपों में गति है यह वृद्धि के रूप में होती है।
समस्थापन सभी जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं का बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बनाए रख करके जैविक क्रियाओं को संतुलित बनाए रखना है। समस्थापन होम्योस्टेसिस कहलाता है, ये जीवों के अंदर ही होता है। अनुकूलन, आप जानते हैं कि जीव भिन्न भिन्न आवासों में रहते हुए भी जीवित रहते हैं, इसलिए कि उनमें अपने आवास के आधार पर अपने शरीर में परिवर्तन कर लेने की एक विशिष्टता पाई जाती है। जीवों का अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तन कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है, ताकि उस वातावरण विशेष में वे अपने आप को जीवित रख सकें। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये देखा है कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीव हैं वो एक दूसरे से विभिन्नता रखते हुए भी उनमें काफ़ी अधिक मौलिक समानता पाई जाती है, और जिन गुणों या लक्षणों के आधार पर ये मौलिक समानता पाई जाती है उन्हें ही जीवों के मौलिक गुण कहा जाता है। वे ही सजीवों के गुण कहलाते हैं जो हमने एक एक करके भी देखे। थैंक यू, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।